अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है आप? मैं भी ठीक। मुझे आप लोग बाबा कमेंट कर रहे थे, लड़कियां भी और लड़के भी, कि भाई ऐसा कुछ मेथड लेके आओ जिसको फॉलो करके हम अपने बालों को स्पीड से ग्रोथ करवा सकें, स्पीड से हमारे बाल बढ़े, ग्रोथ यानी कि बहुत फास्ट हो जाए, और अगर हमारा हेयर फॉल भी हो रहा है वो भी रुक जाए, और अगर आपके बाल काफी ब्रीक ब्रीक निकल रहे हैं आपके रूट से तो वो भी मोटे मोटे बाल थिक आउट हो जाए मेरे भाई, इसी के बारे में वीडियो ले आओ। तो फिर देरी किस बात की है, मैं ले आया हूँ ना आपके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है इंशाल्लाह गाइस। इसको फॉलो करने के बाद आप लोग देखेंगे आप किस तरीके से आसानी अपने बालों को आप जल्दी से ग्रोथ करवा सकते हैं, अपने बालों में आप शाइन ला सकते हैं, आपके बाल सिल्की स्मूथ होंगे, और यहाँ तक कि आपके बाल मोटे थिक आउट ना वो आपके थिक आउट होंगे रूट से। ये कैसे होगा हर चीज़ में आपको गाइड करूँगा, बट आप लोगों से छोटी सी बस मिनर से रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो फिर देरी किस बात की, जल्द से सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करने के साथ बेल का आइकन आएगा, सिंपली अपने बेल पे क्लिक करना, ऊपर ऑल का ऑप्शन आएगा, तो काइंडली आपने ऑल पे क्लिक करना ताकि इसी तरह की फैशन एंड ब्यूटी टिप्स की वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। और बस एक और छोटी सी बात मान लेना, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, ये बहुत बहुत स्पेशल एंड बहुत बहुत मेहनत से बनने वाली वीडियो है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अभी से लाइक कर दो, वीडियो बहुत स्पेशल है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। मैं उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाऊंगा जो कि हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स या हमारे बरूनी कुछ मसले होते हैं भाई, जो कि हम खुद कर लेते हैं, आप समझ रहे हैं, मास्टरबेशन वगैरह, जिसके बाद हमारे बाल तो जट जाते हैं, हमारे बाल ब्रीक आना शुरू हो जाते हैं, हमारे स्किन के ऊपर काफ़ी इशू हो जाते हैं। मैं उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि बात बहुत लंबी चली जाएगी और आप कहोगे कि भाई आपने वीडियो इतनी लंबी बना दी, क्या कर रहे हो मेरे भाई, जल्दी से टू द पॉइंट बात करो। तो भाई सीधी बात करूंगा, अगर आपके बाल टूट रहे हैं, अगर आपके बाल ब्रीक हैं, तो मेरे भाई आपके बाल शाइन नहीं है, स्मूथ है, बिखरे सिखरे बुरे से आपके बाल हो गए हैं, कोई मजा नहीं है बालों का, तो हम उन बालों को एक बेहतर लुक देंगे, हम अपने बालों को मोटा करेंगे, उनको शाइन प्रोवाइड करेंगे, उनको ग्लो प्रोवाइड करेंगे, ग्लो तो नहीं वैसे स्मूथ टाइप होगा, ऐसे चमकेंगे आपके बाल, एंड उसके अलावा मेरे भाई मोटे मोटे बाल जब होंगे ना तो आपको तभी कोई मसला नहीं होगा एंड आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक आपको हेयर स्प्रे बनाना सिखाऊंगा जो डेली बेसिस पे आपने अपने हेयर पे लगानी है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद ही दिनों बाद आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदे होंगे और आपकी बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत स्पीड वाली हो जाएगी। चलिए पहले हेयर स्प्रे बनाना सीख लें। सो गाइस सबसे पहले हम आपको स्प्रे बनाना सिखाएंगे, तो उससे पहले भाई ये करना पड़ेगा कि आपको कोई भी बॉल लेना है एंड फ्लेम वगैरह आपने जला लेना चूल्हे का, एंड उसके अंदर बाउल रख ले, कोई बर्तन रख ले जिसमें हम बनाएंगे स्प्रे, और फर्स्ट चीज़ उसमें रहेगी मेरे भाई आपने एक गिलास लेना है पानी का और आपने इसमें ऐड कर देना है, याद रखें सिर्फ एक गिलास आपने पानी का इसमें लेना है और ऐड कर देना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ रहेगी मेरे भाई आपको ऐसा करना है, एक चम्मच आपको पत्ती लेनी है एंड वो इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है? तो चलिए एक चम्मच पत्ती हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारी भाई रहेगी वो नेक्स्ट चीज़ रहेगी मेरे भाई चावल, तो सिंपली गाइज आप जैसे ये चावल है एक चम्मच, तो आपने एक चम्मच चावल इसमें ऐड कर देने हैं। जो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ वो है मेथी दाना, आपको पंसार के स्टॉक पे जाना है और उसको कहना है कि मेथी दाना, ये आप देख लें ये मेथी दाना, ठीक है? ये मेरे पास वैसे थोड़ा सा ब्लेंड हुआ था तो वैसे ये सेम इसी तरीके का होता है, ये देख लें छोटे छोटे इसके बीन्स होती हैं देख लें, तो मेथी दाना आपने इसमें एक चम्मच ऐड करना है। अब याद रखें एक चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच इसमें आपने डाली है पत्ती, कोई भी पत्ती हो सकती है, ठीक है? एंड एक चम्मच चावल, वो आपने ऐड करके इसको आपने चूल्हे के ऊपर रह देना है ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये उबाइल होना शुरू हो जाए। तो ये बिल्कुल उबाइल होगा, अपना कलर दे देगा, तब तक आपने इसे उबाइल करते रहना है जब तक बिल्कुल ये हाफ कप रह नहीं जाता। तो अभी हम इसे बिल्कुल छोड़ देंगे, जब तक ये हाफ कप हो जाएगा तब हम इसे उतार देंगे। सो गाइस सबसे पहले हम इसका ऊपर से ढक्कन उतार देंगे, काफ़ी देर हो गई है एंड मेरे ख्याल से हाफ कप रह गया है, बिल्कुल ये देखें फुल अबायल हो गया है। तो बिल्कुल अब हम ऐसा करेंगे इसको आपने छान लेना है और जो इसका पानी पानी है वो आपने निकाल लेना है। तो किसी तरीके से आपको कोई भी स्प्रे बोटल आपके पास है तो उसमें निकाल लीजिएगा। सो गाइस सिंपली ये देखें मैंने एक स्प्रे बोटल के अंदर तमाम पानी इसका ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें लास्ट चीज़ भाई ऐड करनी है, तो सिंपली सबसे पहले भाई आपको ये करना है इसको ओपन करें। आप देखें आपके पास अगर कोकोनट ऑयल है तो आपने वो इसमें डालना है एक चम्मच, या आपके पास आलमंड ऑयल है, ये मेरे पास देख लें आलमंड ऑयल है, बादामों का ऑयल, तो मैं ये इसमें ऐड कर दूंगा। आप दो ही इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, या तो बादामों का आप ऑयल इसमें ऐड कर दें या फिर कोकोनट ऑयल। तो ये देखें मेरे पास आलमंड है, तो हमने एक चम्मच सिंपली इसमें ऐड करनी है, और उसके बाद भाई सिंपली आपने ये कहना है जो हमारे पास स्प्रे बोटल है इसको आपने अच्छे तरीके से हिला लेना है। एंड अब बारी है भाई हम अपने स्कल्प पे से यूज़ करें, इससे आपके बाल शाइन होंगे, आपके बाल सिल्की होंगे, आपके बाल मोटे, आपसे आपके ना जड़ों से बाल निकलेंगे, बहुत बहुत स्मूथ आपके बाल होंगे। हे गाइस सिंपली मैंने हेयर स्प्रे बना ली है और एंड आप लोगों की आंखों के सामने है,
बहुत बहुत आसान तरीका है, इसको बआसानी आप भी अपने घर में बना के इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी रहेगी इसको यूज करने की। आप लोग कहोगे भाई हाँ हेयर स्प्रे तो आपने बनानी सिखा दिया, अब यूज भी करना बता दो, तो सिंपली यार चलो शुरू करते हैं। सिंपली भाई हम अपने बालों के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके साथ हमें इस चीज को यकीनी बनाना है कि हमने अपनी रूट्स में इसको लगाना है। ये बात अपने जरूरी माइंड में रखनी है कि हेयर स्प्रे हमारे रूट्स में लगे। तो सिंपली ये देखें, ये मेरी रूट्स हैं, देखें एग्जांपल ये देखें, आपको इस तरीके का मास्क नजर आएगा। सेम इसी तरीके से आपने पूरे हेड पे आपने ये करना है कि सिंपली इस जगह के ऊपर आपने इसको स्प्रे करना है। स्प्रे ये ले लें, आपके बालों पर भी लगे एंड उसके अलावा ये जो रूट्स हैं इसके अंदर भी लगे, जड़ों में लगेगी, तभी जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो जहाँ पे जाके असर करेंगे और आपके बाल दोबारा से नीचे से मोटे नजर आएंगे आपको, और मोटे आपके बाल आएंगे और पूरे आपके पूरे सर के बाल जो है मोटे होंगे और थिक कट रहते हैं, बर्बर के बाल आएंगे। तो ज़रूर आप लोगों ने सेम यही प्रोसेस करना है, इस स्प्रे को लेना है एंड स्प्रे से आपने यहाँ पे रूट्स पे आपने लगानी है ताकि आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा फायदे हों। अब इसकी लिमिट की बात कर लेते हैं। लिमिट ये है मेरे भाई कि आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दो टाइम करना चाहते हैं दो टाइम कर लीजिएगा, तीन टाइम करना चाहते हैं तीन टाइम कर लीजिएगा, लेकिन आपको 7-10 डेज में इससे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि आपके जो नीचे से रूट से बाल निकल रहे हैं वो मोटे मोटे बाल हैं, एंड उसके अलावा मेरे भाई ये काफ़ी 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 ज़्यादा आउट क्लास का है। छलियाँ ले लो यार, चंद दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके जो बाल आ रहे हैं रूट से वो मोटे मोटे आपके बाल आएंगे एंड आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है वो भी रुक जाएगा। तो आप लोगों को यही तो चाहिए था मेरे भाई, एंड आपके जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत स्पीड से आपकी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ शर्त रहती है जो कि आप लोगों के लिए काबिले नजर होंगी, तो आपने ज़रूर एक बार सुन लेना मेरे भाई जो मैं आपको बताऊँगा। देखो मेरे भाई, हमारे बाल जो ग्रोथ करते हैं वो हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर होता है कि हम अपनी ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके की करवा रहे हैं अपने स्कल्प पे, यानी कि हम अगर झुकते हैं कितनी देर तक झुकते हैं, हमारा ब्लड कब तक यहाँ पे रहता है, क्या सब इसी चीज़ को लेके आप लोगों का बाल मोटे आते हैं या आपके बाल जल्दी से ग्रोथ करते हैं। तो ये हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी डाइट क्या है, हम खाते क्या हैं। सो ये चीज़ नहीं है अगर मैं अपनी डाइट ही बुरी सी ले रहा हूँ, इतनी बुरी सी डाइट है मेरी और खाता भी हल्का फुल्का सूँ और मैं ये कहूँ कि मेरी स्किन भी ग्लो करे एंड मेरे बाल भी मोटे मोटे आए बर के, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप लोगों को अपनी डाइट भी सेट करनी है, टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल के हिसाब से खाना खाएं एंड उसमें अपने टाइम खाने वगैरह में ये चीज़ एक शेक वगैरह ऐड करें, दूध वगैरह ऐड करें एंड उसके अलावा कोई बादाम वगैरह एंड अखरोट वगैरह, ये कुछ 4-5 चीज़ें अपने डाइट में आप शामिल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी स्किन भी ऐसे ग्लो ग्लो करेगी, आपके बाल भी मोटे हुआ करेंगे एंड आपके बाल बहुत स्पीड के साथ ग्रोथ किया करेंगे, इवन पूरी बॉडी के बाल जल्दी से ग्रोथ किया करेंगे। तो यही कुछ तो आप लोगों को चाहिए मेरे भाई। सो इस वीडियो के बारे में जितने मेरे क्वेश्चन थे मैंने सब क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई बात रह गई है तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। जरूर आप लोगों ने कमेंट करना है, इंशाल्लाह मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा एंड लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।